नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मौत का भय कैसा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी ही एक कहानी है। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। एक दिन एक बनिया उनके पास आया और आकर बैठा। उसे पूछा, मित्र क्या तुम्हारे पिता हैं? उसे जवाब दिया कि नहीं, वो एक बार मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे तो वो वहां गिर गए और बड़ी मछली उन्हें निकल गई। उसे फिर पूछा, और तुम्हारा कोई भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूबने के कारण मेरे भाई भी कुछ सालों के बाद समुद्र में समा गए। तब वह व्यक्ति बोला, मित्र यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तुम तट पर आते हो और जाल डालते हो, क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घरवालों में से, दादा परदादा पिताजी में से शायद ही कोई समुद्र तट पर आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आती है और कैसे आती है यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है, फिर मैं बेकार की मौत से क्यों डरूं? प्रिय साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसी बातें करेंगे। मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसीलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बच सकता है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज आप स्वस्थ रहने का काम करें, मस्त रहने का काम करें और हर पल व्यस्त रहने का काम करें। मौत को जब आना होगा आती रहेगी, हम हर पल एंजॉय करेंगे। लोग कहते हैं कि जब हम गलत काम करेंगे तो ऊपर जाकर भगवान हमें पकौड़े की तरह तल देंगे। हो सकता है भगवान हमसे ये पूछे कि जिंदगी जीने के इतने पल दिए थे, तुम जिए क्यों नहीं, ये भी तो पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास न करें, सिर्फ एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।